अभी मैं एक एक्सरसाइज दिखा रहा हूं जो हाथों के लिए, हाथ की उंगलियों के लिए, जिसके हाथों में झिनझिनी होती है या यूं कहें कि ग्रिपिंग में दिक्कत होती है, उनके लिए भी बहुत फायदा है। और जो लोग व्यायाम करते हैं, अक्सर वो व्यायाम करते ही है, तो उसमें कितना फायदा होना चाहिए। एक तरह से यह व्यायाम योगा में ताड़ासन के नाम से जाना जाता है। तो कैसे करना है इससे जो हमें अधिक फायदा हो, वो बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से इंटरलॉक किया, इंटरलॉक करने के बाद उल्टा घुमाया, उल्टा घुमा करके माथे के ऊपर रख कर ढीला छोड़ दिए, लेकिन इंटरलॉक खुलना नहीं चाहिए, ऐसे लूज छोड़ दिए, गर्दन बिल्कुल सीधी। अब आहिस्ता से, इसमें अधिक फायदा चाहिए तो ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे पूरा ऊपर उठाए, दो चार सेकेंड होल्ड किए, सांस छोड़ते हुए आके फिर यहां ठहर गए। अब इसमें बगैर ब्रीदिंग के भी कर सकते हैं, लेकिन चेस्ट आउट होगा, कमर बिल्कुल सीधी, दोनों पैरों के बीच गैप होना चाहिए, प्रॉपर स्टांस पोज में ही कोई भी व्यायाम करें। अब जैसे देखिए, दूसरी बार फिर ये कर रहा हूं, उठाया पूरा ऊपर की तरफ, रोका जितना सीधा हो सके, उसके बाद फिर आहिस्ता यहां लाकर ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ेंगे, हेड के ऊपर रखा रहेगा, लेकिन ये इंटरलॉक मजबूती से पकड़े रहे, लेकिन हाथ को लूज छोड़ दें और सीधे रहे। बहुत से लोग अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं ये भी सही है, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि फोरआर्म्स, आर्म्स का मसल्स जो स्टिमुलेट करना है, तो स्टिमुलेशन से ज्यादा फायदा होगा। ये उल्टा रहेगा तो इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ पड़ेगा। ये उठाया, फिर वापस रखे और छोड़ दिए। अब इसको जैसे ताड़ासन कहते हैं, जो खड़े होकर करते हैं, पोजीशन में आए, उठाते वैसे ही हैं। अब क्या करते हैं लोग, हील को उठा देते हैं, तो हील को उठा दिए, टोज के सहारे, फिर वापस छोड़े, उसके बाद ये छोड़े, तो ये ताड़ासन है। लेकिन आपके लिए आसान है कि इसमें सिर्फ, यदि चूंकि जब हम करते हैं तो सिर्फ अपर बॉडी का ही काम होता है, इसलिए सिर्फ इसको उठाया, रोका और छोड़ दिया। अब उसमें लोगों की गलती हो जाती है, हालांकि वह एक्सरसाइज सही है, लेकिन हम एक्सरसाइज करें और फायदा ज्यादा हो और उसमें ज्यादा सोचना न पड़े, दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूं कि यदि आप उठाते हैं, सीधा उठा दिए, तो बॉडी का फोर्स लगाया, पूरा स्ट्रेच कर दिए शोल्डर से ऊपर की तरफ, फिर आहिस्ता यहां छोड़ दिए, ठीक है। अब होता है क्या, ताड़ासन में कभी हील उठाने में आगे की तरफ कभी झटका पड़ जाता है रखने में, तो कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता है कि हाथ और पैरों का, क्योंकि हिल राइजिंग का एक्सरसाइज अलग है और उसका मीनिंग अलग है। तो बेहतर आसान तरीका जो आपको मेन फायदा होना चाहिए हाथों का, अपर बॉडी का, उसके लिए बेहतर है कि खड़े होकर के भी, यदि बैठने की गुंजाइश नहीं, खड़े होकर चाहे खड़े होकर करें, उठाया फिर रोका छोड़ दिया। इस तरह से यदि रोक रोक के करते हैं, 10 सेकंड से अगर रोकते हैं तो 5 बार करें, और सिर्फ उठाते हैं 1 सेकंड टांगते हैं फिर उसके बाद छोड़ते हैं तो 10 बार करें, बैठ कर भी यदि करें तो इसी तरीके से उठाया रोका और फिर छोड़ दिया, इस तरह से 5 बार या 10 बार रोक रोक कर। दूसरी बात, यदि ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। तो अब उसका ब्रीदिंग का तरीका यह है कि नाक से सांस को लेंगे, होल्ड किया चेस्ट के अंदर और मुंह से छोड़ेंगे, छोड़ते हुए हाथ को लाए, ठहर गए। तो ये रोक रोक कर है, डीप ब्रीदिंग के साथ करें, 5 बार ही करें। दूसरी बात ये रखें, कोई भी हाथ का एक्सरसाइज करते हो तो कभी हाथ का ज्यादा करने के बाद टायर्डनेस आ जाता है, तो उसके लिए शेकिंग कर दे, हाथ का हल्का सा काफी आराम मिल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और प्रैक्टिस करते करते फिर उतना एहसास नहीं होगा इसके लिए। थैंक यू।